सत श्री अकाल किदां तुसीं, माय नेम इज़ गुरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज हम जगह डे 28 और ये मैं इंट्रो जो ले रहा हूँ, मैं घर पे आके इंट्रो ले रहा हूँ, मतलब जब भी मतलब पूरा हो चुका है, समाप्ति हो चुकी है, जब भी मैं घर पे आ गया हूँ। आज एक तो बंदी छोड़ दिवस है और दिवाली भी है, तो मेरी तरफ तो आज सब जी ने बंदी छोड़ दिवस या लख लख करोड़ करोड़ बधाई हों जी, हैप्पी दिवाली सबको। और आज रिंकू वीर जी ने ना दो गाड़ियाँ का उद्घाटन किया भाई। पूरा व्लॉग जब भी देखोगे ना आप, इतना अच्छा लगेगा आपको कि यार कितना सोचते हैं रिंकू जी। तो चलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और वैगुरु जी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बंदी छोड़ दिवस के लिए गेट कितना प्यारा सजाया हुआ था और पूरी लाइटिंग भी लगाई हुई थी, हालांकि तो काम चालू है, लाइटिंग लगी रही है, इसके लिए मैंने पूरा दिखाया नहीं। और अंदर देखो ये दोनों गाड़ी का उद्घाटन होने वाला है और संगत देखो कितनी सारी बैठी है भाई। और ये देखो पालकी साहब और ये है नानक रोटी, आगे आपको दिखाता हूँ। आज दो गाड़ियों का उद्घाटन होने वाला है, एक नानक रोटी और एक पालकी साहब का, तो बहुत दोनों में प्यार है। आज उनका उद्घाटन होगा पंच प्यारों के द्वारा। अभी कविता चल रही है जी, एंड जैसे अभी चौपाचा का पार्ट स्टार्ट होगा, पूरा समाप्ति होने के बाद वो गार्डन होगा जी, तो दिखाता हूँ मैं आज ब्लॉग में दिखाऊंगा। और पालकी साहब की सबसे बड़ी बात ये है कि जो पालकी साहब रहेगी ना, जो गार्डन जिसका होने वाला है, वो पालकी साहब आप जब भी कॉल करोगे आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी चार्जेस भी नहीं है। जो हम गुरु महाराज का समझो कि रखते हैं, हम पार्ट रखते हैं, तो हम स्वरूप लेके जाते हैं गुरु महाराज का कोई भी गुरुद्वारे से, तो आप अगर लेके जाओगे तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई पालकी साहब हमको चाहिए एंड हम अपने घर पे रखना चाहते हैं, तो लोग पूरे सत्कार से गुरु महाराज जी का स्वरूप आपके घर पे लेके आएंगे जी। मतलब इतनी बड़ी सेवा रणकीवर जी कर रहे हैं, मतलब मैं सुन के मतलब ऐसा हैरान हो गया, आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसा भाई, किसी ने भी नहीं सोचा होगा सच में। उल्लासनगर में लेके ना बन हो जाएंगे। और नानक रोटी का भी कुछ है तो मैं आपको सब धीरे धीरे बताऊंगा, जब ये उद्घाटन हो जाएगा ना फिर मैं आराम से ब्लॉग में आके सब कुछ बताता रहूंगा। पूरा ब्लॉग जरूर देखना, नया चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना जी। आज दिवाली का दिन है और बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी है, आपको से कल बेनती की थी, बताया था संगत को कि नानक रोटी की गाड़ी नहीं तैयार हुई है, गुरुसाहब जी गाड़ी नहीं तैयार हुई है, तो पांच प्यारे इसकी उद्घाटन करेंगे, फिर गुरुसाहब जी का प्रकाश जो पालकी साहब में जाएगा, जिस गाड़ी में विराजमान करके गुरुसाहब जी को निज स्थान पर छोड़ा जाएगा। तो सारी संगत को बेनती की जरूर आज थोड़ा रुक के, दिवाली का दिन है, क्योंकि ये गाड़ी जो नानक रोटी की बनी दिन रात सेवा में लगी रहती है संगत के, गरीब जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने के लिए। तो मेरा मन था कि संगत के बीच में पांच प्यारे इसका ओपनिंग करें और फिर इसमें प्रसाद बांटा जाए। आज दिवाली का दिन है, जो भी मिठाइयाँ चढ़ाई गई हैं सब इसमें डाल के गरीब जरूरतमंदों के जगह पे जाके पहुंचाई जाएगी। इस गाड़ी की खासियत यह है कि इसमें खाना गर्म रहता है, कितनी देर भी रख लो, इस तरह से बनाई गई है कि गर्म गर्म खाना वहाँ पहुँचता है जहाँ पर जरूरत, क्योंकि जब बरसात होती है ना सात संगत जी, पानी भरा होता है इलाकों में, तो गर्म खाने की बहुत ज़रूरत होती है। बिहार से बोलिए दान गुरनान। और दूसरे गुरु साहब जी की गाड़ी बनाई है, इसको ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को। आप जब घर में कोई भी रस्म होती है, गुरु साहब जी लेके जाते हैं, अखंड पाठ साहब रखाते हैं, कुछ करते हैं, तो मैंने देखा है कई बार बिना सत्कार के लेके जा रहे होते कैसे भी। तो बेनती है कि जिसे भी गुरु साहब जी अपने घर में लेके जाने हो किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो इस गाड़ी में लेके जाए, निःशुल्क, कोई सेवा कोई चार्ज नहीं है इसका। हमारी तरफ से ड्राइवर होगा, हमारी तरफ से पेट्रोल होगा, हमारी तरफ से गाड़ी होगी, पर सत्कार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पूरा रख के, परिवार लेने आए नंगे पाँव, परिवार इसमें लेके जाए, गुरु साहब जी का सत्कार करें। तो ज़रूर इस बेनती को परवान करना संगत जी कि गुरुसाहब जी की गाड़ी का इस्तेमाल हो गुरुसाहब जी के लिए, मेहर करे गुरु, बहुत प्यारी गाड़ी बनाई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो आपने अभी सुना और समझा कि दोनों चीज़ें क्यों हो रही है। नानक रोटी तो बहुत सालों से चल रही है, बट ये क्यों गाड़ी दूसरी बनवाई गई है तो आपने समझ गया होगा। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिनको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, और पालकी साहब के लिए भी जिनको पता नहीं हो वीडियो उनको भी ज़रूर शेयर करना जी। तो चलते हैं अभी अंदर एंड आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। अभी वैसे पार्ट चालू है चौपाई साहब का, आनंद साहब का, तो ये चलते हैं, आप इन्जॉय करिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हम जा रहे हैं आगे दर्शन करने के लिए, ये जब पार्ट ख़त्म होगा तो हम आगे आगे जाएंगे दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। बाकी रिंकू वीर जी को आप देख सकते हो स्टेज से उठ के जा रहे हैं जी, देखिए। और ये देखो कितना प्यारा सजा हुआ है और लिखा हुआ है देखो बंदी छोड़ दिवस और दिवाली की सारी साध संगत को लख लख बधाई हो।
अभी पंच पहले अरदास करेंगे जी। अरदास करने के बाद ये जो रिबिन लगी हुई है रिबिन को काट के वो गठन करेंगे। वैसे नानक रोटी बहुत साल से रन किए जा रही है और नानक रोटी की वजह से ना इनको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, मतलब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए आप देख सकते हैं कि लंदन से सर्टिफिकेट मिला है कुछ स्पेशली अमदिला ट्रस्ट की वजह से, तो वो भी यहाँ पर लगा हुआ है जी। बहुत मतलब बहुत सालों से मैं बीच में भी एक ब्लॉग बनाया था मैंने, तो नानक रोटी के हिसाब से भाई बहुत सेवा होती है हर जगह उल्लास नगर में, हर हफ्ते अलग अलग जगह पर होती है। अभी ये जो पालकी साहब है वो जो न्यू पालकी साहब बनी है ना जो सचखंड साहब, उसमें विराजमान करेंगे और उसमें लेके जाएंगे। चढ़ दी गला तेरे बाणे शर खालसा वाहेगुरु जी की जय। पालकी साहब इतनी प्यारी लग रही है जी। देखो अभी गुरु महाराज जी विराजमान हो चुके हैं और ये नानक रोटी न्यू गाड़ी दोनवी गाड़ी का आगमन हो चुका है जी। तो नानक रोटी प्रभात तेरी आज से स्टार्ट हो गई जी, बस चार पाँच दिन की बात है, दो तीन दिन के बाद प्रभात तेरी स्टार्ट हो जाएगी जी। अरे लग रहा है यार मस्त इधर सेवा यहाँ पे हुई है, यहाँ पूरा खाली हो गया है जी। यहाँ पे अंदर लंगर चालू है देखो, और यहाँ पे आज चाय भी चालू है। ये हमारे भाई 7 बजे से आ जाते हैं भाई सेवा करने के लिए, बहुत बड़ी बात है बहुत। गुरुद्वारा अर्जन जी दरबार में चालू है निशान साहब की सेवा, देखो कितना ऊपर तक भाई लोग चढ़ के साफ़ कर रहे हैं। हम भी बचपन में हमारे गुरुद्वारे में साफ़ करते थे, बहुत टाइम हो गया अभी साफ सफाई की नहीं है। बाकी यहाँ पे मत्था टेकने आया था गुरु अर्जन देव जी में दरबार में, गुरुद्वारे रोज जाओ अगर आपको सामने वाले मिलते हो तो दरबार में रोज मत्था टेकने जाओ भाई। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई पालकी साहब जो अभी सब पूरे उल्लासनगर में, आपको जहाँ पे भी आप फ़ोन करोगे आपका अगर घर पे पाठ रखवा रहे तो ज़रूर जी फ़ोन करना, एंड ज़रूर ज़रूर ये पालकी साहब का जो सेवा है तो ज़रूर करवाना जी, क्योंकि किसी ने सेवा आज तक में ना सुनी है ना देखी है। भाई साहब जी की सोच देखो यार, बहुत ये चीज़ें जो मतलब ऐसे ही थोड़ी संगत जुड़ी है देश विदेश में बाबा जी ने, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लग रहा है कि प्रभात फेरी में भी यही निकलेंगे भाई, प्रभात फेरी लग रही थी मेरे को सेम टू सेम, प्रभात फेरी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली जी। बाकी आप कमेंट्स करके वाहेगुरु जी ज़रूर लिख दो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो आएगी पसंद, पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ब्लॉग में, जब तक के लिए।